वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे वॉइस को एंड टुडे वी शैल टेक प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, हाउ टू चेंज प्रेजेंट एंड परफेक्ट पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव टू वॉइस एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम वॉइस टू एक्टिव। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था। इसका जो स्ट्रक्चर है हम देखते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज है, ये जो ऑक्सिलरी है इसको हम यूज करते हैं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, राइट, रूट, रिटन, सिंग, सेंग, संग, संग, रिटन, इस तरह से जो रंग, जो लास्ट वाली फॉर्म है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम यहीं से पहचानेंगे। हैज है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को बताती है, इसे प्रेजेंट फॉर्म, वेयर एज इज द परफेक्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ स्टोरी बुक। सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, आई हैव रिटन अ स्टोरी बुक, आई हैव रिटन, हैव रिटन, यहां से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। वी हैव पुट हियर हैव एंड द थर्ड फॉर्म दैट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ राइट, राइट, रूट, रिटन। हैज हैव का यूज हम करते हैं हैव आई के साथ, बाकी जो जो हैव का यूज होता है इट्स एक्चुअली इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो प्लूरल फॉर्म ना कहकर के हम कहते हैं कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, बट आई के साथ ये डिफरेंट है, उसमें हम हैव ही लगाएंगे। लेट अस चेंज, आपको पता हमें ये चेंज करना है, बाकी तो हम इंटरचेंज करते आए हैं, स्टोरी बुक पहले, आई का वाई मी बाद में, ये तो वैसे ही चेंज होगा। तो यहां जब अ स्टोरी बुक पहले आ जाएगा तो हैव का हैज हो जाएगा, एंड बीन का हम यूज करते हैं, हैज बीन रिटन, हैज बीन रिटन, हैव बीन रिटन। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने वर्ब वाले पार्ट को चेंज किया, हैव रिटन का हैज बीन रिटन। सिमिलरली यहां हैव प्लेड है, हैज बीन प्लेड, हैव संग है, हैज बीन संग, इस तरह से आपको यूज करना है। एंड अ स्टोरी बुक, पहले यहां पर अ स्टोरी बुक आएगा, अ स्टोरी बुक हैज बीन रिटन बाय मी। तो इट्स वेरी इजी कि कैसे हम इसको चेंज करें, बट इसी का हम परफेक्ट बनाते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, परफेक्ट और प्रेजेंट, और सॉरी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, आप देखें इसमें स्लाइटली एक डिफरेंस है। सेकंड फॉर्म हैज हैड की, हैड, हैज हैड, हैड, हैव हैड, सेकंड फॉर्म हम बोलते हैं, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन द परफेक्ट फॉर्म ये आपको बनाएगा इस पूरे सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, शी हैड अटेंडेड म्यूजिक क्लासेस, सपोज शी हैड अटेंडेड म्यूजिक क्लासेस, एंड द म्यूजिक क्लासेस पहले आएगा, एंड हैड अटेंडेड को आपको चेंज करना, आपका ध्यान यही होना चाहिए, हैड बीन अटेंडेड, हैड बीन अटेंडेड, इसके बीच में बीन लगाना है, बाकी सिंपल है। म्यूजिक क्लासेस हैड बीन अटेंडेड बाय, शी को हम चेंज करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसमें
बनाना है, तो इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. ही हैज गिफ्टेड मी अ पेन. व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? मी एंड अ पेन, देयर आर टू ऑब्जेक्ट, एंड हैज गिफ्टेड का आप समझते इट इज हैज बीन गिफ्टेड. आप कहीं से भी इसको चेंज करते हैं. सपोज हम फर्स्ट वर्ब से चेंज करते तो क्या बनेगा? आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, मीस मी का चेंज होकर के आई, इसको छोड़ दो यहां तक. आई, आई के साथ हैव, नॉट हैव, हैज गिफ्टेड का हैव बीन गिफ्टेड. आई हैव बीन गिफ्टेड, आई हैव बीन गिफ्टेड अ पेन बाय बाय ही. इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिम है. तो आई हैव बीन गिफ्टेड अ पेन बाय हिम. अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, लेट्स चेंज इट यूजिंग द सेकेंड ऑब्जेक्ट अ पेन. अ पेन पहले आ जाएगा. अ पेन के साथ हैज बीन सिंगुलर फॉर्म. अ पेन हैज बीन गिफ्टेड टू मी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू हमें लगाना पड़ेगा. अ पेन हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय हिम. स्लाइटली चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं करना है. यहां नेगेटिव बनाना हो तो हैज नॉट गिफ्टेड, हैज नॉट गिफ्टेड यहां होगा. हैज नॉट गिफ्टेड. अ पेन हैज नॉट बीन गिफ्टेड, हैज नॉट बीन गिफ्टेड. अ पेन हैज बीन गिफ्टेड का हो जाएगा has not been gifted if it is negative. अब in case of interrogative sentences, आपको auxiliary को पहले लाना है and it must be followed by question mark. It's very simple. And for more understanding, let us watch some slides which has been prepared for you. Look at these 10 examples and notice the changes. First sentence is, I have finished the homework. The homework has been finished by me. Have finished को हमने चेंज किया has been finished में. Similarly, he has given me a book. Double object है. Me and a book. जैसा हमने बोर्ड में भी इसको डिस्कस किया था. A book. Suppose आप second object से इसको चेंज करते हैं तो a book has been given to me by him. और I have been given a book by me. तो आप किसी भी तरह से इसको चेंज करते हैं either from sub ऑब्जेक्ट फर्स्ट और फ्रॉम ऑब्जेक्ट सेकंड. ही हैड बिल्ट अ हाउस. आप यहां देखें हैड बिल्ट ये पास्ट परफेक्ट को बताता है. वेयर एज हैव फिनिश्ड जो फर्स्ट सेंटेंस था ये प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है. ए हाउस हैड बीन बिल्ट बाय मी. ही हैड नॉट बॉट अ न्यू कार. अ न्यू कार हैड नॉट बीन बॉट बाय मी. आप देखें हैड नॉट बॉट. यहां बॉट थर्ड फॉर्म है, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म है. और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट सभी में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं. तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखें. एक्टिव का स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म या वर्ब का अगर हम देखें, जबकि पैसिव हैड बीन हम इसमें न्यू वर्ड लगा देते हैं बीन. बीन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी. और चेंजेस को देखें. एक्टिव में हैज बीन हैज हैव बॉट का हैज बीन बॉट या हैव बीन बॉट. हैज बीन गिवन हैव बीन गिवन. सिमिलरली अगर हम फ्यूचर में भी देखें विल हैव टेकन का विल हैव बीन टेकन, विल हैव नॉट कम विल हैव नॉट बीन कम. और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप खुद कर लें. इट्स वेरी सिंपल. हम सिर्फ विल और शैल का यूज करते हैं, बाकी ऑल द चेंजेस विल रिमेन सेम. Had finished, had been finished, ये past perfect है. Had mentioned,
विल हैव अटेंडेड, विल हैव बीन अटेंडेड। तो यहां बहुत सिंपल ही काम है जो आप कर सकते हैं। तो सम इंटेरोगेटिव्स को देखें, हैव यू अटेंडेड द क्लासेस, हैज द क्लासेस बीन अटेंडेड बाय यू, हैड ही कमिटेड द क्राइम, हैड द क्राइम बीन कमिटेड बाय यू, हैव यू पास द एग्जामिनेशन, हैज द एग्जामिनेशन बीन पास बाय यू, व्हाई, इनको हम देखें ध्यान से डब्ल्यू एच वाले, व्हाई हैड दे डिस्टर्ब यू अस, व्हाई हैड दे डिस्टर्ब अस, व्हाई हैड वी बीन डिस्टर्ब बाय यू, व्हाई वैसा ही रहेगा। और वेयर एज हु को हम चेंज करते हैं, हु विल हैव हेल्प हिम, बाय होम विल ही हैव बीन हेल्प्ड, विल यू हैव ब्राउट मी अ गिफ्ट, मी अ ग्रिप हिम अ गिफ्ट, आप देख रहे हैं बाउट हिम अ गिफ्ट, हिम एंड अ गिफ्ट, दो डबल ऑब्जेक्ट इसमें, आप कहीं से इसको चेंज कर सकते, लेकिन विल को हम विल से ही स्टार्ट करेंगे, विल अ गिफ्ट, विल अ गिफ्ट, हैव बीन ब्रॉट टू हिम बाय मी। तो यहां टू हिम का यूज करना पड़ेगा अगर आप इसको अ गिफ्ट से चेंज करते हैं, या आई ए हिम से चेंज करें तो हम यहां विल ही, विल ही से आपको स्टार्ट करना, विल ए गिफ्ट, विल ही हैज बीन गिवन अ गिफ्ट बाय यू, तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कैसे इसको चेंज करते हैं, तो डू मोर एक्सरसाइजेस एंड यू विल नो ऑल अबाउट द वॉइसेस ऑफ दीज टेंसेस। थैंक्स।